नमस्कार भाइयों, मैं अभी वचन के बारे में बताने आया हूँ, यानी बसवेश्वर जी, क्रांतिकारी बसवेश्वर से जाना जाता है। तो बसवेश्वर जी, उन्होंने इतना सुंदर, सरल और अद्भुत वचन बताया है। तो कई सारे धर्म हैं, कई सारे धर्म में कोई भी धर्म का आचरण भला ही अलग क्यों ना हो, मगर अंतिम उसका स्वभाव गुण जो बसवेश्वर जी ने जो बताया है वो होना चाहिए। ये जो बसवेश्वर जी ने कहा है तो वो कन्नड़ में है, फिर मैं उसको भाषांतर करूँगा, तो एक एक शब्द का विवरण बताते नहीं जाऊँगा, पहले एक बार उसके बारे में देख लेंगे, उसके बाद विवरण हम देते जाएंगे। कला बेड़ा कला बेड़ा खुशिय नुडियलो बेड़ा ಮುನಿಯ ಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬೇಡ ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಒಲಿಸುವ ಪರಿ ಎನಿ ಐಸೆ ಕೇತೆ ಕಳಬೇಡ ಕಳಬೇಡ ಎನಿ ಚೋರಿ ನಹಿ ಕರ್ನ ಡಕಾಯಿತಿ ನಹಿ ಕರ್ನ लूटपाट नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। एक ही बात में कहना है, दूसरों का फुकट का कुछ लेना नहीं चाहिए। यही तो कलबेड़ा। और कलबेड़ा मतलब होता है किसका हत्या न करे। हत्या में क्या होते हैं, अत्यधिक हिंसा होती है, हिंसा न करे। सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं और मानसिक तौर से भी नहीं करना चाहिए, यानी कोला बेड़ा। खुशी नुडियलू बेड़ा यानी झूठ ना बोले, झूठ के आश्वासन देते हैं राजनीति के लोग को, या फिर राजनीति दूर की बात है, पहले अपना खुद का बताएंगे। हम हर दिन इतना झूठे बोलते हैं कि बहुत झूठ बोलते हैं, तो झूठे न बोले। मुनि बेड़ा यानी नाराज ना हो, भला सामने वाला गलत क्यों ना हो, भला उसका ही गलती हो, वो निंदा करता रहेगा कुछ भी करें दो, मगर आप नाराज ना हो। अन्यरिगे असह्य पड़ बेड़ा, दूसरों को देखकर तुच्छ भाव न आए, दूसरों को देखकर तुच्छ भाव न आए। तन्न बंडिस बेड़ा यानी अपने को बढ़ावा ना करे। मैं ए हूँ, मैं ओ हूँ, मेरा ओ है, मेरा ए है, भला कुछ भी हो, मगर अपने को कभी भी छोटा समझना चाहिए, बढ़ावा कभी नहीं करना चाहिए। ओके, कला बेड़ा कोला बेड़ा ಖುಷಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಯಾನಿ ದೂಸರೊಂಕು ನಿಂದಾ ನ ಕರೆ। ಹರ್ ದಿನ ಅಭಿ ದೇಖೋ ಹೋತಾ ಉದಕ ಬಾರೆ ಮೇ ಬೋಲ್ನಾ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿಸಿಗೆ ಬಾರೆ ಮೇ, ತೋ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ, ವೋ ಐಸಾ ಹೈ, ವೋ ಹೈ ನಾ, ವೋ ಐಸಿ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಖರಾಬ್ ಹೈ। भला वो खराब हो या अच्छा हो, हम उसके बारे में कुछ निंदा नहीं करना चाहिए। धनक यही इदे अंतरंगद शुद्धि, इदे बहिरंगद शुद्धि, इदे नम्म कूडल संगम देवन नोलिसुव परि, यही अंतर्शुद्धि है। अगर ये सारे विषय को हम अपनाएंगे तो बहिर्शुद्धि हो जाएगा। जैसे बहिर्शुद्धि होती है, अपने आप धीरे धीरे शुद्धि होने लगती है। इदे अंतरंगद शुद्धि, इदे बहिरंगद शुद्धि, इदे नम्म कूडल संगम नोलिसुव परि, यही कूडल संगम यानी परमात्मा को अपनाने का विधान है। कितना सुंदर है ना। तो ये जो विषय है, भला वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, उसमें तो ये गुण होना ही चाहिए। अगर उसमें ये गुण न हो
वो कोई काम का नहीं, कुछ मतलब का नहीं। तो अगर कोई कई साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, आप समझ लीजिए इसको एक बार ध्यान, दूसरों को छोड़ दीजिए, भला मैं खुद को देख लेना चाहिए, खुद को हम देख लेंगे तो हमारी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। अगर उसका वाणी ऐसी होती कि इतना अच्छा बोलेगा, यानी दूसरों को रिस्पेक्ट से बोलेंगे और अपने को कभी बढ़ाव नहीं करेगा। ये सारे विषय जो है आध्यात्मिक में, भला कोई धर्म या आश्रम हो या फिर कोई भी तरीका, तो बहुत है, बहुत विधि विधान लोग हैं उससे अपनाते हैं, आचरण करते हैं, उस आचरण से करने से ये स्वभाव तो होना ही चाहिए। ये जो है ना बहुत उच्च विषय है और बहुत सरल तरीके से बताया है, बहुत उच्च विषय को बहुत सरल तरीके से बताया गया है, कई सारे प्रैक्टिस करने के बाद। ऐसा नहीं कि ये इतना सरल है, इतना ही कठिनाइयां हैं, क्योंकि हम अपने को, हमारे स्वभाव को बदलना है तो बहुत समय लगेंगे। हम कितने बजे उठते, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, तो अगर इसको बदलना, इसको बदलाव लाना है तो हमको उठना है तो जल्दी, तो कितना समय लगेंगे एक छोटी सी विषय को। अगर हमारे स्वभाव को बदलना है तो बहुत कठिनाइयां हैं, मगर करना जरूरी है। अगर हमारे अंतर शुद्धि होना है, बहिर शुद्धि होना है, हमारा यानी अपना परमात्मा को अपनाना है, तो ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो वो दुखी दुखी रहेगा। अब देखिए, हमको, आपको लगता होगा शायद दूसरे लोग हमें निंदा करते हैं तो हम लेना ही नहीं चाहिए ना, भला निंदा जो करेगा वो उसका होगा, हमारे नहीं होगा, हमको नहीं करना है तो हमारा भला रहेगा, तो लोगों का भी भला होगा, किसी का हानि नहीं, किसी का नुकसान नहीं और अपना उद्धार होगा। ये बसवेश्वर जी ने इतना सुंदर और इतना सरल और इतना महत्वपूर्ण विषय को इतना आसानी बना दिया है कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनंत कोटि नमन बसवेश्वर जी को, क्योंकि जितना भी नमन करे वो कमी है। ओके, और ये विषय को आप कृपया करके शेयर करें, तो अगर आने वाला वीडियो को, मेरा जो आने वाला वीडियो को अगर आपको देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा न लगे डिसलाइक करें जी। धन्यवाद।